अभी हमें पटना में और यहाँ हमें एक बहुत ही डिफरेंट चाय की शॉप नजर आई है। आप नाम देखिए, बेवफा चाय वाला, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रेमी जोड़ों के लिए 15 रुपए की चाय है और प्यार में धोखा खाए लोगों के लिए 10 रुपए की चाय। तो चलते एक बार स्टोर के मालिक से मिलते हैं। तो भैया, आपको प्यार में धोखा मिला था क्या? धोखा तो मिला था। धोखा मिला था, उसके बाद ये शुरू किया? हाँ, तो कितने साल पहले की बात है, कब से शुरू किया आपने? 2 साल हो गया सबका। लोग सोचते हैं कि अगर आप चाय धोखा खाए तो चाय के सब की खोल लिया है और कुछ भी खोल सकते थे। बाकी बात ये है कि उसको चाय बहुत पसंद है, इसीलिए चाय की शॉप। अच्छा, तो जिससे आप प्यार करते थे उन्हें चाय बहुत पसंद थी, पसंद तो उन्हीं की याद में आप प्यार देखिए, भैया जिसे प्यार करते थे उसने धोखा दिया और भैया ने उसी की याद में चाय की पूरी दुकान लगा दी बेवफा चाय वाले के नाम से। क्या बात भैया, आपका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत बढ़िया लगा। आप चाय दिखाइए कैसी बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, भैया ने ढेर सारा दूध लिया हुआ है और उसमें डाली जा रही है चाय पत्ती। तो गाइस, जितने आजकल के लोग ब्रेकअप होने के बाद व्हाट्सएप की डीपी हटा रहे होते हैं, स्टेटस लगा रहे होते हैं दुख भरे, आप ये भैया से इंस्पिरेशन लीजिए। ब्रेकअप होने के बाद पूरी चाय का स्टोर लगा दिया है इन्होंने। इलायची है। अच्छा, इलायची भी डालेंगे? इलायची भी। तो देखिए, चाय में अपने इलायची भी डाल दी गई है। तो भैया, आपके पास ज्यादातर लोग कौन आते हैं, दिल टूटे हुए या कपल लोग? कपल लोग बहुत कम आते हैं और जो पैरों धोखा खाता है वो काफी सामने आते हैं। भैया, हम धोखा खाए, हमको 10 वाला ही चाय। अरे, तो सच में धोखा खाए होते हैं या चाय के लिए 5 रुपए बचा रहे होते हैं? सच में खाए होते हैं। 99% आदमी धोखा खाया हुआ है। सही बात, भैया का कहना है कि 99% आदमी प्यार में धोखा खाए हुए हैं। बट प्यार में धोखा खा के भैया डिप्रेशन में नहीं गए, भैया ने पूरा बिजनेस स्टार्ट कर लिया है और बढ़िया चल रहा है। शाम को यहाँ पे प्यार में धोखा खाए लोगों की भीड़ लग जाती है चाय पीने के लिए। आपको नहीं? नहीं, मेरे को धोखा वाला नहीं, मेरे को धोखा नहीं हुआ है। ऐसा तो नहीं है पीने के बाद मेरा ब्रेकअप हो जाएगा? नहीं, नहीं, मेरे साथ बेवफाई हो जाए? नहीं, नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। हाँ, तो बस बेवफाई मत कराइएगा, आप चाय पिलाइए बेहतरीन वाली। धोखा वाला दिया है? धोखा वाला दिया है। तो आपके साथ प्यार में धोखा हुआ है भाई? धोखा हुआ है, तभी तो इसी स्टॉल पे खड़ा हूं। कितने टाइम पहले धोखा हुआ? ज्यादा नहीं, बस 5-6 महीने पहले। 5-6 महीने पहले ही? धोखे को यही मैनेज कर लेता हूँ, इसी फिकर। तो जब से धोखा खाया लगता है भैया रेगुलर आ रहे हैं कम बुलाने? वही तो, यही है हर दर्द की दवा, हर बेवफा की दवा, यही है बेवफा चाय वाला। तो भैया यहाँ पे बेवफाओं के बिल्कुल मसीहा बने हुए हैं। आदत बनी है सबका, जो भी आ रहे हैं आपको धोखा मिला, जो भी बोले धोखा ही मिला। तो यहाँ पर भैया के पास 99% लोग धोखे वाले आ रहे हैं। अब ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि उन्हें सच में धोखा मिल रहा है या फिर ये जो 5 रुपए का डिस्काउंट है इसके लिए वो भैया को धोखा दे रहे हैं। तो गाइस, ये पटना की बेवफा चाय आ गई है और मेरा दिल भले ही नहीं टूटा है लेकिन यहाँ दिल टूटे वाले बहुत सारे लोग हैं। आप देखिए, जिससे भी पूछ रहे हैं हम, सभी का दिल कभी ना कभी टूटा हुआ है, किसी का 4 महीने पहले, किसी का 5 महीने पहले, और यहाँ पे अपने गम भुलाने सब चाय पीने आ रहे होते हैं। इन सबके लिए 10 रुपए की है, मेरा दिल टूटा नहीं है, मेरे लिए 15 वाली है। टेस्ट देखते हैं कैसा है। इलायची का बढ़िया स्वाद आ रहा है, गाढ़ी भी हो रखी है चाय, स्वाद बहुत बढ़िया, जैसा कि एक कड़क चाय से आप एक्सपेक्ट करेंगे बिल्कुल वैसी ही चाय है। चाय तो नॉर्मल है लेकिन यहाँ पे चाय पीने में मजा बहुत आएगा। आप जब भी पटना आए यहाँ जरूर आइएगा, आपको बहुत सारे दिल टूटे हुए लोग मिलेंगे। तो चाय पीजिएगा, लोगों का दुख बांटिएगा और मजा कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर, I'll find you and I will make you hungry.